पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सेवन लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और इक्वेशन रिड्यूसिबल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से पहले ही मैंने इक्वेशन रिड्यूसिबल पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब आता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसके बाद में हम वर्ड प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से बिल्कुल अलग है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, लेकिन इजी है, टफ नहीं है। इक्वेशन रिड्यूसिबल से बहुत इजी है ये, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट कोई हमारे पास में दो सिस्टम साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर मान लीजिए इस फॉर्म में आपका नहीं गिवन है इक्वेशन, ठीक है, तो आपको पहले तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे? मान लीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू वन और टू थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू टू है, तो जो कांस्टेंट है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म है, उसको आप शिफ्ट करेंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। कांस्टेंट को आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। सबसे पहले आप सिस्टम साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद में ही आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे में चलते हैं, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, ठीक है। तो x अपॉन होता है क्या होता है b1 c2 माइनस b2 c1 और y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1 और कांस्टेंट टर्म हमारा होगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। ट्वेल्व ट्वेंटी वन, ट्वेल्व ट्वेंटी वन, ट्वेल्व ट्वेंटी वन, ठीक। यह फॉर्मूला जनरली मैं कॉपी मार दिया, ठीक। अब हमें यह देखना है कि मान लीजिए, ऐसा थोड़ी है कि सारे स्टूडेंट का लर्निंग पावर एक जैसा होता है, बहुत सारे नहीं, आदत ही नहीं है उन्हें रटने की, तो नहीं रट सकते हैं, लेकिन जिसके लर्निंग पावर अच्छी है वो बिल्कुल याद रख सकते हैं, ठीक है। अब सीखेंगे कि अगर हमें कुछ भी नहीं पता हो, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं पता हो, बस इतना पता हो कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का प्रॉब्लम आया है, ठीक है, एग्जाम में, तो हमें कैसे सोल्यूशन करनी है, ठीक। तो चलिए देखिए, एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए x है, तो x x आपके पास में है, तो x का कोफिशियंट आपको नहीं लेना है, ठीक है, यानी x निकालोगे, निकालने में तो आप कैसे x को निकालोगे, कंपेयरिंग करके निकाल लोगे, ठीक है, कंपेयरिंग करके आप निकालोगे, लेकिन आपको जब x पकड़ना है तो x के कोफिशियंट को आपको डिलीट करनी है, ठीक है, और y पकड़ना तो y की कोफिशियंट डिलीट करना है, और कांस्टेंट टर्म पकड़ना है तो कांस्टेंट टर्म की जो कोफिशियंट है उसे डिलीट करना है, ठीक है। इतनी आपको माइंड में बात रखनी है। एक बात और, चलना कैसे है, बी सी ए बी, ठीक है, बी सी ए बी। अब देखो सुनो, x मैंने लिख दिया यहां पे, ठीक है, मैंने कहा जब हम x को पकड़ेंगे तो x के जो कोफिशियंट होगा उसे डिलीट करेंगे, चलो मैंने डिलीट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि x के साथ में ए वन ए टू नहीं होनी चाहिए, एक्स की कोफिशियंट कहने का मेरा मीनिंग यही है। तो क्या क्या हो सकता, बी वन बी टू सी वन सी टू, चलो लिख दो प्यार से बी वन बी टू, ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या करो, डिस्टेंस बना लो, गैपिंग कर लो, और सी वन सी टू, ठीक है। वाई में क्या नहीं होनी चाहिए, बी नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं रहेगा बी, तो क्या होना चाहिए, सी वन सी टू होना चाहिए ना, और ए वन ए टू होना चाहिए, तो चलो मैंने ले लिया ए वन ए टू, चलो ठीक। कांस्टेंट पे पहुंचा तो सी वन सी टू नहीं होना चाहिए, ठीक है, ए वन ए टू आ चुका है, तो हमारे पास में और क्या बच रहा, बी वन बी टू, लिखा बी वन बी टू, ठीक, वन यहां रखा। एक बात याद रखना है, ठीक है, एरो डोंडा ग्रुप में प्लस लेंगे,
और अपवर्ड में माइनस लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ये हो गया। तो चलिए देखिए, एक्स प्लस है तो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल टू वाई, वाई में क्या होगा अब ये तो बी तो आएगा नहीं, तो सी वन ए टू माइनस, माइनस की साइन है सी टू ए वन, ठीक है 12 21 12 21 आ रहा है, ठीक है वन क्या नहीं होनी चाहिए तो सी नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगा हमारा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक ये तरीका याद रखो सबसे बेहतर है। अब सोचो अगर आपके पास में माइंड में ऐसा हुआ कि आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं याद रखना है, मान लो कि ये दोनों भी आपको पसंद बिल्कुल नहीं आया, ठीक है आपको अच्छा ही नहीं लगा कि मैं ऐसे करूं, तो एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा है, यहां से आप सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशन को, एक्स की वैल्यू पता चल जाएंगे, एक्स की वैल्यू पता चलेंगे उसे आप रखेंगे दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, वहां से वाई की वैल्यू पता चल जाएगा आपको, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, एलिमिनेशन मेथड इसलिए तो आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है एलिमिनेट करो एक को, एलिमिनेट करोगे तो एक्स की वैल्यू या वाई की पता चल जाएगा, आप किसको एलिमिनेट कर रहे हो वो डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर में, ठीक है ए को एलिमिनेट कर रहे हो यानी कि एक्स को एलिमिनेट कर रहे हो आप या वाई को एलिमिनेट कर रहे हो, किसको एलिमिनेट कर रहा है ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक। चलिए ये तो दो बातें हो गई, ठीक अब मैं सिखाता हूं आपको एक और तरीका। आप क्या करेंगे देखो मैं बताऊं, मान लो मुझे एक्स निकालना तो एक्स को मैं डिलीट करूंगा, अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है, एक जगह में ध्यान रखना है, कहां ध्यान रखना है तो वाई में ध्यान रखना है, ठीक है तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, एक्स निकाल रहे हैं, चलो जी निकाल लेते हैं एक्स, ठीक है निकाल लिया मैंने एक्स को, मैंने डिलीट कर दिया तो क्या हमारा हुआ बी वन सी टू माइनस, ठीक है क्रॉस में ही चल रहा हूं मैं, और ये बी टू सी वन, वाई में ध्यान रखना है, वाई में आपको ध्यान रखनी है, वाई में हम उल्टा चलेंगे, ठीक है उल्टा चलना है आपको, तो सी वन ए टू माइनस, ठीक है सी टू ए वन, अगर उल्टा भी नहीं आपको चलना है तो आप सीधा चलें, लेकिन फिर यहां पे क्या होगा आपको पता है कि माइनस आपको बाहर लेना पड़ेगा कॉमन, वो माइनस पहुंचेगा वाई के पास में, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। आगे में चलते हैं कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट के लिए कोई सरदर्दी नहीं है बिल्कुल, कांस्टेंट को हटा दो तो आपको मिलेगा यहां पे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक अब हमें एक्स निकालना है तो एक्स के लिए क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में कांस्टेंट वाले के साथ, एक्स को कंपेयरिंग करेंगे वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन के साथ में, ठीक है तो एक्स हमें पता चल जाएगा। देखिए जब क्रॉस करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा वन के साथ में, यानी कि हमें मिल रहा है बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड में आएगा, अरे भाई ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स के पास में पहुंचेगा, फिर इसको आप शिफ्ट करेंगे राइट पे तो डिवाइड में पहुंचेगा ना, मल्टीप्लाई में पहुंचेगा फिर डिवाइड में, तो ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक वाई के लिए करेंगे सिमिलर, तो वाई के लिए हम कंपेयरिंग करेंगे ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है वाई के साथ में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो सी वन ए टू, सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन डिवाइडेड बाई ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये तो एक्स और वाई निकालने का आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब सुनो एक्स और वाई आप निकाल सकते हो कैसे, एलिमिनेशन मेथड मैं पढ़ा चुका हूं, ट्राई करेंगे उससे निकालने के लिए, ठीक है कोशिश करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई को हम फाइंड आउट कर लें, अगर नहीं करना तो खैर कोई नहीं ये आप माइंड में रखें, ठीक है एक बात और बता दूं मैं, ठीक है बताया नहीं हूं कि ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होनी चाहिए, इसका मतलब यह है कि ए वन बी टू माइनस माइनस ए टू बी वन नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है कभी भी ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होनी चाहिए, ठीक है ये बात हो गई। लेते हैं एक एग्जांपल,
ठीक है, ऐसा करो मैं इधर रफ कर देता हूं, ठीक है, फिर सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, अगर मानना है तो, नहीं मानना तो चलो बाद में मानते हैं, रहने दो इसे, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है आपके पास में 5x प्लस 12 इक्वल टू 7, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें सिस्टम साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना है, ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सॉल्यूशन लिखा मैंने और x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, देखिए सिस्टम साइमल्टेनियस इक्वेशन मैं बना चुका हूं, कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया मैं, ठीक है, इसको भी वैसे ही करेंगे, 5x प्लस 12y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करेंगे, तो हम लिखते हैं कि a1 इक्वल टू x का कोएफिशिएंट कितना है 1, और b1 यानी कि y की कोएफिशिएंट कितनी है 1, और c1 है आपका माइनस 7, ठीक। a2 5, b2 12, c2 माइनस 7, ठीक, x को रखा, क्या होता है b1 b2, ठीक है, इसके जगह पे हम वैल्यू को रखते चले जाएंगे, तेजी से काम करेंगे, ठीक है, तो 1 12 C1 C2 यानी कि माइनस 7 माइनस 7, y को ले लिया मैंने बीच में, ठीक है। अब सुनो, y में भी नहीं होनी चाहिए, तो a तो होगा 1 5 कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट में क्या नहीं होनी चाहिए, c नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो b तो होगा यानी कि 1 और 12, ठीक। चलो देखो मैं x को पकड़ रहा हूं, ठीक, तो क्या होगा, क्रॉस मारो, तो माइनस 7 माइनस पहले से होता है, 12 इंटू माइनस 7, वाई को पकड़ लिया मैंने, इक्वल टू वाई, वाई पकड़ा तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, माइनस 7 इंटू 5, मैं डायरेक्ट कर सकता था, बट मैं आपको एक बार शो करके दिखा रहा हूं कि आपको करना कैसा है, जिसको नहीं आए वो भी सॉल्यूशन कर सकता है, ठीक है, तो 1 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 1। अब चलो मल्टीप्लाई करो, तो x क्या होगा हमारा माइनस 7, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 84 इक्वल टू y, y हमें क्या मिलेगा, माइनस 35 माइनस 35 और माइनस 7, ठीक है, क्या मिस्टेक है क्या, अच्छा ये माइनस है, ठीक है ठीक ठीक ठीक, तो ये प्लस डायरेक्ट कर दो ना, तो ये प्लस 7 होगा, चलिए 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा 12 माइनस 5, ठीक, तो x हमें यहां से मिल जाएगा 77, y मिल जाएगा हमें माइनस 28, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म वाले हमें मिलेंगे 7, कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है, तो x डिवाइडेड बाई 77 इक्वल टू 1 अपॉन 7, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x इक्वल टू 77, तो x इक्वल टू 77, मल्टीप्लाई में है राइट में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में पहुंचेगा 7 1 7 7 1 7 7 1 7, यानी कि x की वैल्यू पता चल गया हमें यहां से 11, ठीक है। उसी तरीके से हम y को फाइंड करेंगे, तो y के लिए कंपेयरिंग करेंगे, माइनस 28 इक्वल टू 1 अपॉन 7, ठीक, जब कंपेयरिंग करेंगे तो ये 7y इक्वल टू माइनस 28, ठीक है, तो y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 28 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7 7 4 28, तो y इक्वल टू माइनस 4, देखिए रिक्वायर्ड वैल्यू यहां से हमें पता चल गया, x की वैल्यू कितना आया 11 आया, और y की वैल्यू कितना आया माइनस 4 आया, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, आप जितना क्वेश्चन लगाएंगे ना ये फॉर्मूला बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं लगेगा, बस आप दिल से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, अगर आप समझते हैं बटन समझेंगे, बहुत समझकर आप पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
ठीक है, बर्डन समझ के करेंगे तो आपको भारी पड़ेगा ही पड़ेगा, ये याद रख लीजिए। इंजॉय करके पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, नहीं प्रॉब्लम आएगा। क्यों प्रॉब्लम आएगा? प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये बिल्कुल एकदम माइंड में आपके छप जाएंगे क्वेश्चन, और मैं काफी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे ही होगा, क्योंकि अभी हमने प्रॉब्लम को प्रैक्टिस नहीं किया, एक एग्जाम्पल हमने देखा अभी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें प्रॉब्लम देखेंगे, जितनी ज़्यादा बेसिक से शुरू करेंगे और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी लेंगे। उसके बाद में जो हमारा 8th-9th लेक्चर होगा उसमें वर्ड प्रॉब्लम होगा, वर्ड प्रॉब्लम बहुत मजे आने वाली, एक पैटर्न पे 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो कॉपी कीजिए।